फिर पहले वाला रूम अपना था तो यहाँ टेंट भी है और रूम लो या टेंट लो एक ही प्राइस है 1500। तो कल 11 बजे यहाँ पहुँच गए थे, तो 11 बजे हमने जाना था पेंगोंग। तो यहाँ जितने भी लोग थे लोकल उनसे पता करा तो वो कह रहे ना ही जाओ क्योंकि बीच में वाटर क्रॉसिंग आते हैं, बहुत तेज है वो। तो कुछ गाड़ियाँ थी वो भी वापस आई हैं, तो फिर हमने डिसाइड ये किया था कि नहीं जा रहे हैं, तो आज जाने का प्लान है। तो सुबह इसलिए निकल रहे हैं जल्दी क्योंकि आईसी मेल्ट होगी नहीं अभी, तो जो प्रेशर होगा वो कम होगा। और निकलना ऐसे 5 बजे था, पर लेट होने का रीज़न ये है कि 6 बजे पेट्रोल पम्प खुलता है, तो टॉप अप पुराना है, फ्यूल है अभी 350 किलोमीटर चल जाएगी, पर रिस्क नहीं लेना था इस करके टॉप अप पुरा लेंगे। वैसे अगर आप आ रहे हो तो कोशिश करना आप यहाँ पे 4 बजे के बाद पहुँचो, क्योंकि सुबह जब तो ज़्यादा कुछ है नहीं है देखने को, जो कैमल राइडिंग है और जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो 3 बजे के बाद स्टार्ट होती हैं, और 5 बजे तक यहाँ धूप ऐसी तिखी है कि आप खड़े भी नहीं हो सकते बाहर। तो वहाँ सारे में कैमल राइडिंग होती है, वहाँ से स्टार्ट होती है कैमल राइडिंग। तो यहाँ से एक पूरा चक्कर दबा के लेके जाते हैं और उस साइड ATV चलती है। रिफिलिंग करवा ली अपनी, अब कोई टेंशन नहीं। और पीछे हुआ था भी एक कांड, ड्रोन उड़ाया था, ड्रोन ही गायब हो गया हमारा, मतलब कहीं टक्कर टुक्कर लग गई, नीचे गिर गया और मैप में शो नहीं हो रहा था, थोड़ा पास में थे तो साउंड आ गई, मिल गया थोड़ी सी आगे और नहीं जाते, मतलब 50 मीटर के पास ही थे हम, और 200-300 मीटर में चले तरह दिखता भी ना, और गिरा भी पत्थरों के बीच में था, दिख नहीं रहा था वो, तो साउंड आई तो देख लिया, नहीं तो लग गए थे आज। गाइस प्रेशर चेक करो पानी में कितना आ रहा है, काफ़ी आइस मेल्ट हुई है, तो ये रेन वाटर नहीं है, ये सारा मतलब जो आइस मेल्ट हुई है सारा वही वाला है। हरदुंगला भी हैव टू गो राइट एंड फॉर पेंगोंग वी हैव टू गो स्ट्रेट। सो पेंगोंग यहाँ से 130। वाटर क्रॉसिंग आ गई क्या?
अभी हमने यहाँ से जाना है, फिर नीचे उतरेंगे, कार दिख रही है इनोवा जो हमारे साथ थी, उसका आई थिंक हमने वहाँ कोई ब्रिज है वो क्रॉस करना है। बैठ के चले जाना, बैठ जाओ इस पे। नहीं एक्चुअली बैलेंस बिगड़ जाएगा। नहीं पानी तो कम है यहाँ इतना। अच्छा अभी और भी पानी है? अभी तो कम है, दोपहर तक तो बहुत होता है। डर क्यों रहे हैं इतने यार? सुहाने वाले एक या दो साल तक ये सड़क भी पक्की हो जाएगी, तो ये रास्ता और इजी हो जाएगा। सो अगर किसी ने एडवेंचर करना है तो अभी कर सकता है एक आधे साल तक, इसके बाद तो सारे पक्का हो जाएगा। पर ये ऑलरेडी पर आई थिंक वो नीचे है तो उसको लिफ्ट कर रहे हैं। गई 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 अगर आप इस साइड देखो ये छोटे छोटे पेड़ लगा रखे हैं, तो ये सारा सूखा होता था तो पेड़ लगा के सारे में ग्रीनरी कर रहे हैं। सो फॉर पैंगोंग वी हैव टू गो लेफ्ट लेफ्ट। एंट्री है भी? एंट्री है? ओके अजी ये कहाँ लेके जा रहे हैं?
वह इधर हो गया प्रॉब्लम। एक तो आगे पत्थर रखे हैं, रास्ता बंद है, और एक इस माउंटेन के आगे एक और रास्ता बंद है, मतलब दो जगह बंद है, तो आगे जा नहीं सकते। सो वापिस जाना पड़ेगा खरदुंगला, फिर ले जाके देखते हैं कि पेंगोंग जाएंगे नहीं। एक तो कल का दिन खराब गया और आज का भी खराब जा रहा है। चलो पहले ले चलते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। बीच में कुछ दिखाने लायक तो दिखा देंगे, नहीं तो सीधा ले मिलता आपको जाके। अब रास्ता बंद है आगे, मैं रास्ता बंद है, पे? 1 किलोमीटर आगे। हाँ कुछ भी निकल रहा, कुछ भी निकल रहा, लैंड साइड हो तो रास्ता बंद हो गया, आगे भी कटा पड़ा, दो जगह बंद है, तो खरदुंगला होगा वापिस जाना पड़ेगा। खरदुंगला से आगम से हाँ जी, और शक्ति से चांगला होके इधर खरदुंगला जाने की जितनी है। अच्छा, लेकिन ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं, जो वापिस जा रही हैं, सारी वापिस आ रही हैं, सारी वापिस आएंगी। लैंड साइड हो क्या, बंद है रास्ता? रास्ता बंद है आगे, रास्ता बंद है आगे। देर इज अपडेट, तो जहाँ पे लैंड स्लाइड थी उससे 25 किलोमीटर पहले जगह थी अगम, तो वहाँ से एक रास्ता करते हैं शक्ति के लिए, शक्ति से जाएंगे हम डरबुक, डरबुक से जाएंगे पेंगोंग। तो शक्ति यहाँ से अराउंड 62 किलोमीटर। सो बाकी के अपडेट आपको देते हैं क्या है। देखो भाई आगे बन रही सड़क, या तो इससे पीछे की बहुत अच्छी होगी या बहुत माड़ी, ये तो वहीं जाके देखेंगे। तो शक्ति रह गए यहां से 50 किलोमीटर वाली ऐसी सड़क हुई, मजा आ जाएगा। इतनी सी निकल, ये क्रॉस करनी पड़ेगी। चलो चलो चलो, गाड़ी आ रही है, मैं गाड़ी आ रही है, चलो क्या? चलो शक्ति से रास्ता कटता है ऊपर पे। हाँ लंबा बड़ा रास्ता है, तो शक्ति देखते हैं, फिर देखते हैं व्यू। देखो भाई एक बार, कभी पीछे नहीं देखा था, ये चीज दिखी थी, मेरे को लगता सड़क खत्म, आगे सारे रास्ते से है। तो ये रास्ता मुझे उस रास्ते बहुत बढ़िया लग रहा है, एक तो सीनिक है, अभी तक तो सारा साफ है रास्ता, अमेजिंग व्यू है गाइस, अमेजिंग। माउंटेन देखो एक बार, पूरा व्यू बन रहा है।
ये जगह ऐसी लग रही है कि नेचुरल जगह है जहाँ कोई अतर्त ना हो, पर वहाँ एक सड़क बनी पड़ी है। जो पीछे है सारे में मतलब घास घास था, यहाँ देखो सारे पत्थर गिरे पड़े हैं। अल्टीमेट है भाई। और अभी तो आई थिंक 38 किलोमीटर और जाना होगा, तब तक पता नहीं कितने व्यू चेंज होंगे। नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बर्फ वाला पार्ट दिख रहा है ना, वहां जाना है हमें। गाइस अभी यहाँ पे है, उसके बाद जाना है वो ऊपर, वहां सड़क है। गाइस हम आए थे बिल्कुल वो नीचे से सारा झिझक करके, अब आए यहाँ। ये थोड़ा गंदा सा रास्ता है, आई थिंक अपहिल खत्म हो गया, अब स्टार्ट होगा डाउनहिल। खुशखबरी आ गई, आगे टर्मिक रोड दिख रहा है, ऑर्डली आधा किलोमीटर होगा, तो यहां से जाएंगे जिगजैग करके वैली में, जहां ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा आपको, सो बिल्कुल नीचे जाना है। ये रोड इसलिए नहीं बनी होगी, मे भी शायद यहां स्नो बहुत होती होगी, यही रीजन हो सकता है, क्योंकि इसके आगे का सारा पैच तैयार है, ऐसे ही पीछे था। आई थिंक ये लास्ट टर्न होगा, जो कि बड़ा गंदा है। ओए घूम गई, ओए तेरी, ओ स्टार्ट होगी रोड। चलो करते हैं बाइक बंद। अब हाँ हाँ तू ठंडी हो जा, लेके देखते हैं। इजी है, इजी 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 इजी, नो प्रॉब्लम। कल वालों बड़ा गंदा आया था, ऐसे रास्ते के बाद सीधा नीचे जाना, और वो भी पत्थर वाला। आई थिंक एक और ले लेते हैं यहां से। मैं बुला लेता हूँ एक मिनट, इजी है। भैया तो मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ, नजर रखनी पड़ेगी सड़क पे।
थोड़ी सैंड है बट बहुत इजी है। गाइस फाइनली नीचे तो आ गए हैं। एक बार कुछ खत्म कहाँ थे, हम थे जो वो दिख रहा होगा आपको वी बना, उस पॉइंट से हम नीचे उतरना शुरू हुए थे। सो थोड़े ही रह गए, 6 किलोमीटर हो रहा है, पर नीचे तो आ ही गया है क्योंकि जब ऊपर दिखा था वैली दिख रही थी ग्रीन ग्रीन, सो बिल्कुल उस पे लेवल पे आ ही गए। तो गाइस निकलते हैं यहाँ से, अब ले यहाँ से है 45 पर सीधा जाएंगे। सो अभी चल रहे हैं हम पेंगोंग की तरफ, अराउंड 103-105 समथिंग ऐसा है। सो जो रास्ता बंद है तो सारी गाड़ी यहीं से आ रही हैं, सभी इसी रेस्टोरेंट पर रुक रहे हैं।